हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास साइंस का चैप्टर 7 थिंग्स अराउंड अस। और इसमें हम आज करेंगे रिवीजन, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। आज हम ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और इसका कंसेप्ट क्लियर और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हमने इसके पहले के वीडियो में दे दी थी। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, और अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर के वो वीडियो देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे यूज़फुल, हेल्पफुल और इजी टू अंडरस्टैंड एजुकेशन कंटेंट के लिए। और हमारा बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँच जाए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे? Today we will cover keywords, summary, practice questions. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते विद द कीवर्ड्स। रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि what is respiration? The process by which living organisms, living things utilize oxygen to release the energy of food they eat. Clear, friends? What is respiration? It is a process by which living things utilize oxygen to release the energy of the food they eat. What is a stimulus? Changes around us that makes us respond. Excretion, process of getting rid of waste by living organisms. Reproduction, process through which living organisms produce young ones of their own kinds. Revise हो रहा है friends, याद आ रहा है? नहीं, हम लोगों ने last lesson में ये सब पढ़ा था। Habitat, the natural place where organisms, living organisms live and reproduce. What is habitat? The natural place where living organisms live and reproduce. तो ये मेन हमारे कीवर्ड्स आपको याद हो गए फ्रेंड्स, आपने नोट किए होंगे तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अब है प्रैक्टिस सेशन। हमें पहले क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। हमने पढ़ा था कि सेल सेल से कुछ बनता है, फिर उससे कुछ बनता है, देन देयर इज समथिंग, और फिर फाइनली देयर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो याद है, अब यहाँ क्या पूछा है, विच ऑफ दीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म? यस, इट इज टिश्यू। Then dash reproduces by laying eggs. इनमें से कौन सा reproduce by laying eggs? Rat, turtle, bat और giraffe. No, rat is a mammal. Rat is a mammal. Giraffe is a mammal. So turtle is the one who reproduces by laying eggs. Which of the following is not a characteristic of living things? Growth, reproduction, respond to stimuli, all are multicellular. इनमें से कौन सी characteristic नहीं है living things की? Growth, reproduction, respond to stimuli. और ऑल आर मल्टी सेलुलर। यस, डी, ऑल आर मल्टी सेलुलर, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, लिविंग थिंग्स आर नेचुरल, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। क्लियर है फ्रेंड्स? ये वाला A1 इज नॉट ट्रू, do not grow, we all grow. तो फिर which of the living following is a biotic component? Sunlight, fungi, rock, water.
हमने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट पढ़ा था, लिविंग थिंग्स आर द बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट आर द नॉन लिविंग थिंग्स, तो यहाँ क्या आंसर आएगा बायोटिक का? यस इट इज फंगी। चलिए अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एंड गिव आउट डैश, दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है फ्रेंड्स? ये यहाँ और ये वाला उसके पहले। इंसेक्ट्स ब्रीथ ऑक्सीजन टाइनी पोर्स, इंसेक्ट्स ब्रीथ ऑक्सीजन थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड यस स्पिरेकल्स। द चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट वी रिस्पॉन्ड टू इज कॉल्ड स्टिमुलस। द डैश प्लांट क्लोजेस इट्स लीव ऑन टच, हमने एक्टिविटी की थी, इट इज मीमोसा प्लांट। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑन इट्स ओन काइंड इज नोन एज यस रिप्रोडक्शन। अभी हमने रिवाइज में कीवर्ड में याद किया फ्रेंड्स, इजी था, क्लियर हुआ? चलिए स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स वंस। अमीबा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या ये सही है? नो इट इज फॉल्स। क्या है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमने यही पढ़ा था ना फ्रेंड्स। चलिए प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, क्या ये सही है? यस इट इज ट्रू। रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट, इज इट ट्रू? नो फॉल्स, दे ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। रूट ऑफ प्लांट ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी। ऑल प्लांट्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स, ट्रू। द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स, इज इट ट्रू फ्रेंड्स? से इज इट ट्रू? नो इट इज फॉल्स। और यहाँ क्या, द नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ हैबिटेट आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। अब आप इसको ऐसे भी सही कर सकते हो कि दे द लिविंग थिंग्स, वैसे आप यहाँ ये भी कर सकते हो, आर कॉल्ड ए बायोटिक, क्या बोलते हैं उनको, ए बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, जैसे क्या, एग्स डक, देन यहाँ क्या आएगा, जब ये क्या दे रहा है कि जो डक्स हैं वो एग दे करके अपना रिप्रोडक्शन करती हैं। तो रैबिट कैसे करता है? बाय बर्थ देके। लंग्स ह्यूमन, क्योंकि ये फिश है, तो फिश कैसे सांस लेती, हम लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, हम पढ़े थे ना लंग्स के थ्रू ह्यूमंस रेस्पायर, तो फिश रेस्पायर्स थ्रू, ये भी क्या पढ़े थे, यस इट इज गिल्स। देन डैश एयर वाटर बायोटिक समथिंग, तो व्हाट आर द, दीज आर एयर वाटर आर द ए बायोटिक कंपोनेंट्स। अब समझ आ रहा है धीरे धीरे फ्रेंड्स कि हमें ये चीज़ एक्सरसाइज कैसे करनी होती है, और बायोटिक कंपोनेंट्स को ही बताइए, यस प्लांट्स, वहाँ दो है ना तो दो बताइएगा, एनिमल्स, गुड। देन कैमल का बता रहा है कुछ सबको भरना है, और यहाँ कुछ भरना है जिसका एक्वेटिक है, एक्वेटिक क्या था हमारा, हैबिटेट, तो कैमल का हैबिटेट इज टेरेस्ट्रियल, और एक्वेटिक के लिए कुछ भरिए, फिश। अगला यूरिन एंड स्वेट, ये क्या है, गम एंड रेजिन्स आर प्लांट्स, तो गम एंड रेजिन्स क्या था, ये एक्सक्रीशन था प्लांट्स का, तो यूरिन एंड स्वेट एक्सक्रीशन है एनिमल्स का। क्लियर है फ्रेंड्स? आपने ये वाली एक्सरसाइज मेरे साथ कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव अ रीज़न फॉर द फॉलोइंग, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, अब आपको इसका एक रीज़न बताना है कि आखिरकार ऑल लिविंग थिंग्स क्यों नीड फूड, टू सर्वाइव ग्रो एंड लिव, हमको ये सब करने के लिए खाने की ज़रूरत है, दिस इज द आंसर। देन
we cannot get back sapling from the tree. Why? Because tree has a lifespan from seed to sapling and then grow to a full grown tree. This is why we cannot reverse the growth of tree. तो इसलिए हम ट्री से वापस सैपलिंग नहीं बना सकते. रेस्पिरेशन इज एन एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट. इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स यूटिलाइज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी ऑफ फूड दे ईट. दैट इज वाई इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लियर है फ्रेंड्स? अभी अगला है हमारे पास, वेस्ट प्रोडक्ट शुड बी रिमूव रेगुलरली फ्रॉम आवर बॉडी. व्हाई? वेस्ट प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल इफ अलाउड टू अक्यूमुलेट इनसाइड द बॉडी, सो इट शुड बी रिमूव्ड रेगुलरली. मिमोसा प्लांट्स फोल्ड इट्स लीव व्हेन टच्ड. व्हाई? एज अ रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, हियर इट इज टच. क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगला देखते हैं. हम आ गए आंसर द फॉलोइंग पे. डिफाइन अ सेल. व्हाट इज अ सेल? हमने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है कि व्हाट इज अ सेल? यस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड सेल. हाउ डज एन अर्थवर्म ब्रीथ? ये भी हमने लास्ट लेसन, लास्ट चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ डज एन अर्थवर्म ब्रीद. अगर आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है, आपने वो वीडियो गलती से नहीं देख पाए थे, तो फिर आप उस वीडियो का ये लिंक यहाँ पे दिया है, आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए और अपना फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. चलिए अब यहाँ पे सवाल का जवाब दीजिए. विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन, वॉट आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स? Animals who maintain their relative body temperature constant while outside the temperature changes are the warm-blooded animals. ये सारी questions के जितने ही answers हैं, हम लोगों ने ये सब cover किया है अपने chapter में, तो सब आपको inside the chapter ही है. List any five characteristics of living beings. The living beings can, हमने क्या क्या characteristics पढ़ी थी उसमें से पांच लिख दीजिए. Grow, respire, excrete, reproduce, move. तो आप ऐसे लिखो या लिखो, the five characteristics of living beings are growth, respiration, excretion, reproduction, movement. Define respiration. How is it different from breathing? Name the respiratory organs in the following living beings. फिश, ग्रासहॉपर, प्लांट्स. तो ये क्या है, ये फुल एक क्वेश्चन है आपका तीन पार्ट में. तो हम पहले डिफाइन करेंगे रेस्पिरेशन क्या है, देन हम बात करेंगे हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग, और फिर हम फाइनली करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स को नेम. क्लियर है? चलिए तो पहले हमने क्या किया, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स यूटिलाइज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी ऑफ फूड दे ईट. यही हमारी डेफिनेशन थी. आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, देन लिखेंगे वाइल ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट आर कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे डिफरेंट है, तो हमने ब्रीदिंग का भी आपको डेफिनेशन बताया कि ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. नेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द लिविंग बींग्स. अब ये आया तीसरा पार्ट, फिश, ग्रासहॉपर, प्लांट. अब देखिए वैसे लिखा है कि फिश रिस्पायर थ्रू गिल्स, ग्रास हॉपर रिस्पायर थ्रू स्पायरिकल्स, प्लांट्स रिस्पायर थ्रू स्टोमेटा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस लाइक ऑयल्स, रेजिन्स, कार्बन, रबर्स, गम्स एटसेट्रा, वाइल एनिमल एक्सक्रीट एज अनडाइजेस्टेड फूड कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट एंड यूरिन. तो इसी के साथ ही हम आ गए आज अपनी इस चैप्टर के एंड पे, इस एक्टिविटी के एंड पे. तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे, आपके सारी कंसेप्ट क्लियर होगा, आपके पास सब कीवर्ड होंगे इस चैप्टर के लिए, इस अच्छे से रिवीजन कर सकते हो. और अगर ये वीडियो पसंद आई
तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।